नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनजन का कल्याण करने वाले, लोगों को सन्मार्ग प्रदान करने वाले जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादशमाधिशास्ता युग प्रधान शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र को पावन बनाने के लिए गतिमान है। जलगांव जिले की सीमा में यात्रायित शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने सोमवार को प्रातःकाल की मंगल बेला में देवल गांव गुजरी से गतिमान हुए। रात्रि में तेज हवा के साथ आई बरसात ने मौसम को सुहावना बना दिया था। साथ ही आसमान में अभी भी गतिमान बादल सूर्य की तीव्र किरणों से धरती की तप्त होने से बचा रहे हैं। जन जन को आशीष प्रदान करते हुए आरोह अवरोह युक्त मार्ग व घुमावदार मार्ग के दोनों ओर जंगल वृक्ष व उनके आसपास खेतों में किसान आगे की खेती में तैयारी में जुटे हुए दिखाई दे रहे थे। सभी को अपने आशीष से आच्छादित करते हुए लगभग 11 किलोमीटर का विहार कर योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना संघ फतेहपुर गांव में स्थित सहकार विद्या मंदिर परिसर में पधारे, जहां फतेहपुर वासियों ने मानवता के मसीहा का भावभीनी अभिनंदन किया। प्रवचन पंडाल में उपस्थित जनता को शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि दुनिया में धर्म भी है तो अधर्म भी है। ऐसा कोई समय नहीं आता जब पूर्णता धर्म समाप्त हो जाए अथवा पूर्णता अधर्म समाप्त हो जाए। हमेशा धर्म और अधर्म दोनों का अस्तित्व बना रहता है। ऐसे में आदमी को यह प्रयास करना चाहिए कि उसके जीवन में अधर्म न्यून हो और धर्म का विकास हो। शास्त्रों में अहिंसा, संयम और तप को धर्म बताया गया है। अहिंसा, संयम और तप से आत्मा की शुद्धि होती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आदमी को जितना संभव हो सके जीवन में धर्म का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में अहिंसा की पालना के लिए मांसाहार, अंडा आदि से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे और अधिक विकास हो तो रात्रि भोजन का त्याग हो, लहसुन प्याज आदि जमीकंद के प्रयोग से बचने का प्रयास हो, संकल्पबद्ध रूप में अथवा क्रोध आवेश वश होकर प्राणियों के वश से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आदमी को अपने जीवन में अहिंसा की चेतना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का दूसरा रूप संयम को बताया गया है। गृहस्थ जीवन में आदमी को जितना संभव हो सके खान पान में संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। आदमी को अपनी वाणी पर भी संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। आदमी अपनी पाँचों इंद्रियों का भी संयम करे तो जीवन में संयम की साधना का विकास हो सकता है। तीसरा धर्म बताया गया है तप को। कितने कितने जैन लोग वर्ष तप करते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी तपस्या अथवा अनेक रूपों में तपस्या करते हैं। स्वाध्याय, जप, ध्यान को भी तप कहा गया है। विभिन्न तपो आदि के माध्यम से आदमी को अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुरे कार्यों के आने का रास्ता बंद हो और पूर्वार्जित कर्मों का क्षय हो जाए तो आदमी की आत्मा निर्मल बन सकती है। इस प्रकार आदमी अपने जीवन में अहिंसा, संयम और तप की आराधना, मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आचार्य श्री ने फतेहपुर वासियों को आशीष प्रदान करते हुए कहा कि आज यहाँ आना हुआ है, यहाँ के लोगों में जितना संभव हो सके अपने जीवन में अच्छाइयों के विकास का प्रयास करें। फतेहपुर जैन श्री संघ महिला मंडल ने स्वागत गीत का संगान किया। जैन श्री संघ की ओर से श्री पराश मंडलीचा व श्री ललित गेलड़ा ने अपनी भावाभिव्यक्ति श्रीमती प्रेक्षा भंसाली व श्रीमती पुष्पा छाजेर ने संयुक्त रूप से प्रस्तुति दी।